नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल, PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी अपनी हवाईयन यात्रा के बारे में बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 133 में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इटली, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका। यह मेरी 1982 की प्रवासी डायरी है। थर्सडे अक्टूबर 14th, मैंने अपने घर और सेंटर को गुडबाय कहा और सुबह 6:10 पर सैरी मुझे एयरपोर्ट ले गया। हमने 7:45 पर बोर्डिंग की। सैरी मुझे गुडबाय बोलने फर्स्ट क्लास एरिया में आया। हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से टेक ऑफ के लिए लेट हैं। सुबह के 9:10 बजे हैं, हमने जस्ट मूव करना शुरू किया है। इसमें 4 घंटे 40 मिनट लगेंगे। इस समय न्यूयॉर्क 60 डिग्री है और मौसम थोड़ा बादलों से घिरा है। बहुत लाउड जैज म्यूजिक चल रहा है जो मेरे नर्व्स को चीर रहा है। परिचारिका ने आकर मुझसे पूछा कि सब ठीक है ना? मैंने कहा ठीक है, लेकिन यह म्यूजिक मेरे कानों को चीर रहा है। उसने म्यूजिक ऑफ कर दिया। सुबह के 9:21 बजे हैं। हम हवा में हैं। मेरी सीट बहुत आरामदायक है। मैं फ्रंट रो में हूँ, रो नंबर 1 सीट 9 दाहिनी तरफ। बाहर देखने के लिए मेरे पास 3 खिड़कियाँ हैं। अब हम महासागर के ऊपर हैं और हम न्यूयॉर्क में साउथ से कैनेडी एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अपना टेप प्लेयर साथ लाया हूँ। मैं द प्रेयर टू शंबाला गीत को सुन रहा हूँ। जब आप हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, इस गाने को सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टावर की तरफ आप ईश्वर को फॉलो करते हैं। 10 से 10:30 बजे के बीच 15 मिनट के लिए मैं बहुत नर्वस फील करने लगा। मुझे कारण नहीं समझ में आया क्यों। लंच दोपहर को सर्व किया गया जो बहुत घटिया था। सिर्फ उनके कॉयर और स्पेस को छोड़कर यह ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस में फर्स्ट क्लास के योग्य नहीं था। मैं द सेल्फ का म्यूजिक सुन रहा हूँ जो बहुत लंबा वर्शन है। इसे हवा में उड़ते हुए सुनना बहुत सुंदर लगता है। हम 39,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और एयरप्लेन बहुत स्मूथ है। मैं सोच रहा था टीचिंग फर्म और ऑनेस्ट लोगों को क्रिएट करने की बजाय कभी कभी खच्चरों को क्यों क्रिएट करती हैं। मुझे लगा आकर्षण और अहंकार से हृदय को शुद्ध किए बिना किसी को भी टीचिंग देनी नहीं चाहिए। एक कोर्स को हृदय की शुद्धता से तैयार किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक लेसन में 3 पार्ट के साथ 1 साल तक चलना चाहिए। प्रथम हृदय के बारे में जानकारी, दूसरी परिवर्तन करने के लिए अभ्यास, तीसरी डेली लाइफ में एक्चुअलाइजेशन। यह सब कुछ महीने के अंत में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। पहले सेट में हृदय के बारे में बताया जाएगा जो सामान्य जानकारी है, और धीरे धीरे विशिष्ट जानकारियाँ दी जानी चाहिए। स्टूडेंट को अपनी डेली लाइफ को चेक करने की सलाह दी जाएगी और बोला जाएगा कि वह अपने जीवन में जो भी परिवर्तन देख रहा है उसके बारे में विस्तार से और बिल्कुल सही जानकारी दे। दोपहर के 2:30 हैं लॉस एंजेलिस टाइम। जब हमने न्यूयॉर्क टाइम में लैंड किया, मैं 2 घंटे के लिए आराम करने चला गया। मैंने लाउड स्पीकर पर अपना नाम सुना। मैंने कर्सी टेलीफोन से बात की। कला मुझे ही पुकार रही थी। वह सैली और रेबुन एयरपोर्ट पर मुझसे बात करने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कला बहुत सारे हीलिंग मेथड्स को सीख रही थी। वह स्वस्थ है, उसके सपने महान हैं और कुछ सप्ताह में वह इंडिया जाएगी।
सैली बोलती है कि वह ग्रुप को मिस करती है और एरिजोना जाने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। वह और रे बहुत ही स्वस्थ और आनंदित दिखती हैं। अपने लोगों से मिलकर अपार हर्ष हो रहा था। वे बहुत सुंदर और अच्छे इंसान हैं। हमने 45 मिनट तक बात की। उसके बाद प्लेन में मैं अपनी सीट पर चला गया। एयरप्लेन ज़्यादातर इटालियन से भरा हुआ है। 7 घंटे 15 मिनट में यह हमें रोम पहुंचा देगा। आशा करता हूँ फ्लाइट बहुत सुखद होगी। अब वे सेफ्टी प्रोसीड्योर के बारे में बता रहे हैं। लॉस एंजेलिस में समय हो रहा है 3:15, जो न्यूयॉर्क टाइम का 6:15 है। अब हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हमारे मेंबर्स किसी भी जगह महसूस करते हैं कि वे ग्रुप के पार्ट हैं। हम सब में एक गहरा बॉन्ड है। ये बहुत सुखद है क्योंकि इसका मतलब है हम सिंथेसिस के सिम्फनी को क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हायर फोर्सेस द्वारा डिवाइन पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा ग्रुप बहुत ओपन और सहनशील है। प्योर फाउंडेशन की वजह से ग्रुप में समग्रता, आकर्षण और सिंथेसिस है, जो दूसरे मेंबर्स की स्वतंत्रता को अस्वीकार नहीं करती। हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। यह 4:30 या 7:30 बजे हैं। हमें देर हो गई है, लेकिन लगता है कि यही यूजुअल है। उन्होंने हमें स्लीपर्स और एक गिफ्ट बैग भी दिया है, जिसमें एक टूथब्रश, कोलोन, कॉम और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब कैप्टन ने अनाउंस किया कि हमें थोड़ी और देर होगी, करीब 4:40 या न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से 7:40, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि वह 8 बजे सुबह तक हमें रोम पहुंचा देगा। देखते हैं, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। वे बहुत अच्छा डिनर सर्व करने वाले हैं। लंच बेकार था। न्यूयॉर्क से रोम तक की सर्विस बहुत अच्छी थी। लॉबस्टर टेल, श्रिम, कैवियर, सैलड, पेरियर, आप जो भी चाहे वे सर्व कर रहे हैं। मैं कम से कम 1 घंटे तक सोचा। उसके बाद मैंने डिसाइपलशिप के बारे में डेनवर में दिया गया अपना एक लेक्चर सुना। मुझे पसंद आया। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।